Hello, Assalamu alaikum friends. आज मैं इसकी आपको मेथड बताना चाह रहा हूँ सिस्टम ऑन करने का और सेकेंडली अपने रूम को मेंटेन करने का, इसके टेम्परेचर और मॉइस्चर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का. रिक्वायर्ड टू एसी स्पेशली फॉर दिस. दिस इज एक्चुअली टोशिबा सुपर फोर पेड एक्सपर्ट. टेम्परेचर must be less than 26 for scan. Moisture humidity aapki 40 to 80 ke darmiyan honi chahiye any time. It's perfect for CT scan. System is getting ready. System is getting on. It's ready. अब मैं आपको सिस्टम की यूनिट के बारे में बात करता हूँ. बैक साइड ऑफ द बैटरी यहाँ पे आप देखेंगे इसमें दो तरह के ब्रेकर्स लगे हुए हैं. आपने इसके तीन तरह के यूनिट्स हैं, एक एक्सरे यूनिट जो और पावर ब्रेकर की टोटल डेंटे को ऑन ऑफ करने के लिए. ठीक है, एंड इट्स जस्ट फॉर रीडिंग ऑफ द एक्सेल. ये हमारा स्पीकर है जो बिल्डिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड है. दिस इज दिस मॉडल लाइट. This life counter on the system. The system uses basically rotation slices को count करता है. जो cube slices है वो software में आपको मिल जाते हैं. ये था हमारा system reading, system review, safety and precautions. Doors में must और wall में 1.5 mm का ग्लास होना चाहिए फॉर प्रोटेक्शन. उसके अलावा अगर आप वॉल्स पे अगर आप लाइट यूज़ नहीं करना चाह रहे तो सच टाइप ऑफ सिस्टम आप दीवार की जो थिकनेस है वो 9 इंचज टू 1 फीट तक रख सकते. द सिस्टम इज ऑलमोस्ट रेडी. गोइंग द सिस्टम बिफोर स्कैनिंग. एक चीज़ मैंने आपको पहले भी कंफर्म की थी कि ये ऑप्शन जो वार्मअप का ऑटोमेटिकली आपके पास आता है ये तब उसी सूरत में आएगा जब आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे. इन दैट कंडीशन विच द ओएल पी मस्ट बी जीरो. अगर ओएल पी 3, 4, 5 कुछ भी है तब ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा. उस कंडीशन में उस सिचुएशन में आपने यूटिलिटी में जाना है एंड मेंटेनेंस यूटिलिटी एंड वार्म. ठीक है, इन केस अगर आपके पास ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली शो नहीं होता तब ठीक है. नो द प्रोसेसिंग रेडी. प्रोसेसिंग इज स्टार्ट. सिस्टम इज वार्मिंग अप. कोई भी या किसी भी तरह के स्कैन से पहले वार्म अप जरूरी है. इसको हायर देन 20 होना चाहिए परसेंट. ठीक है, it is 22. Stop. Now check. It must be 26. Yeah. Thank you so much guys for watching. Thank you so much.